एक इंतहाई आसानी से दिखने वाला पौधा, आसानी से चलने वाला पौधा जो हमारे घरों में पहले बहुत ज़्यादा पाया जाता था, लेकिन आजकल इसकी जगह टमाटो केचप और सॉसेज ने ले ली है। पहले अपने हाजमे को सही रखने के लिए घरों में हर खाने के साथ में चटनियाँ बनाई जाती थीं। चटनियों में बीज भी होते थे और पत्ते भी होते थे, लेकिन जैसे जैसे ज़माना मॉडर्न हुआ तो मॉडर्न चीज़ें पैकिंग में आने लगी, पैकिंग में केमिकल का इस्तेमाल होने लगा, इंसानों की सेहत बिगड़ने लगी और बीमारियां बढ़ने लगीं। ये सब हुआ टीवी कमर्शियल की वजह से। टीवी के ऊपर मशहूरियां आने लगीं मुख्तलिफ ब्रांड्स की, तो इस तरह की चीज़ें हमारी नज़रों और हमारी ज़ुबान से दबती हुई ख़त्म होती नज़र आ रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या करें, ज़माने के हिसाब से हर कोई इंसान मॉडर्न बनना चाहता है। इन पौधों के पत्तों को तोड़कर चटनी बनाकर नमक मिक्स करके इतनी मेहनत करके खाया जाए, इससे अच्छा तो यही है बनी बनाई पैकिंग में हम चीज़ लाएं, उसको खोलें और सीधा मुंह में डाल लें। आज की नई नस्ल की यही सोच है और बदकिस्मती से हमारे घरों की औरतें भी ऐसा ही सोचती हैं। अरे इतना टाइम कहाँ होता है, बनी बनाई चीज़ें हैं ना, वो लाते हैं और खा लेते हैं। लेकिन पहले ज़मानों में ऐसा नहीं था। पहले ज़माने क्या, बल्कि पिछले 30-40 सालों की बात है, इससे ज़्यादा नहीं, घरों में चटनियाँ बहुत आम मानी जाती थीं। धनिए के पत्ते, पुदीने के पत्ते, न्याज बो जो कि मेरे हाथ में है, इसको बेजिल भी कहते हैं, लोकल ज़ुबान में इसको मुश्क बिबरी पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में इसको न्याज बो कहते हैं, इंग्लिश में इसको बेजिल कहते हैं। ये कौन सी बेजिल की नस्ल है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बेजिल की बहुत सारी नस्लें हैं। लेमन बेजिल भी होता है, जिसके पत्तों में से लेमन जैसी खुशबू भी निकलती है, जायका भी लीमू जैसा ही निकलता है और उसकी खुशबू भी ऐसी ही होती है। इन पत्तों को ड्राई करके ग्रीन टी भी बनाई जाती थी। गला ख़राब हो गया, पेट ख़राब हो गया, इन पत्तों का इस्तेमाल भी किया जाता था, इनके बीज भी इस्तेमाल किए जाते थे। आजकल हम इन पौधों से दूर हो चुके हैं, लेकिन अब मैं आ गया हूँ मैदान में और इंशाल्लाह बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में भी वीडियोस आया करेंगी, लेकिन अभी उसको 3 से 4 महीने लग जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए, आपको इतनी डिटेल मैं दूंगा कि यूट्यूब के ऊपर आपको किसी ने इतनी डिटेल जड़ी बूटियों के बारे में नहीं दी होगी, क्योंकि मेरे दादा खुद एक हकीम थे। ऐसी चीज़ें हमारे घरों में भी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन तब हम छोटे थे, हमें इन चीज़ों की कदर नहीं थी, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास हो हमें उसकी कदर नहीं होती, जो चीज़ हमसे दूर हो जाए उसकी हमें कदर होने लगती है। तो ऐसी चीज़ें हमसे दूर हो रही हैं, दूर होने की वजह से हमारी सेहत भी बिगड़ रही है। तो दोबारा से इन चीज़ों के ऊपर मैं भी आना चाहता हूँ और आप लोगों को भी शिफ्ट करना चाहता हूँ। टमाटो केचप आप खाना चाहते हैं तो खाइए, सॉसेज खाना चाहते हैं तो खाइए, लेकिन अपनी डाइट में इन चीज़ों का, जड़ी बूटियों के पत्तों का, इनके बीज का भी इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। जैसे कि मुरिंगा के बीज हैं, वेल वो एक अलग टॉपिक में चला जाऊँगा, मैं बात कर रहा हूँ मुश्क बिबरी पर, जिसको न्याज बो भी कहते हैं। कुछ लोग इसको कहते हैं, इसके जो बीज निकलते हैं इसको हम तुखमलंगा कहते हैं, जो पानी में डालकर गर्मी के दिनों में दूध में डालकर पी जाती है, उसके बीज पानी में फूल जाते हैं और वो पीने की वजह से हमारा हाजमा भी ठीक रहता है, हमारा मैदा भी ठंडा रहता है। खट्टी डिकार आना, हाजमा सही ना रहना, गर्मी की वजह से पाँव की जलन, ब्लड प्रेशर का हाई होना, वो तुखमलंगा की वजह से कम हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं जो चिया सीड होते हैं उसको भी तुखमलंगा कहते हैं, लेकिन बेजिल फैमिली के जितने भी सीड हैं, भले वो तुलसी हो, भले वो बेजिल की कोई और वैरायटी हो, उसके बीज को पानी के अंदर भिगोकर हम पी सकते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जो कि पेरेनियल है, मतलब सदाबहार पौधा है, 12 महीने आपके पास रह सकता है। बस जब बहुत ज़्यादा ठंड आती है इसके पत्ते गिर जाते हैं और उसके बाद सिर्फ टहनियाँ रहती हैं, लेकिन जैसे ही बहार के दिन आएंगे इसके दोबारा से नए नए पत्ते टहनियों में से निकलने लगते हैं और फिर से ये पौधा दिनों में हरा बड़ा हो जाता है। इसको ज्यादातर फूल लगते हैं फॉल सीजन में, जब पतझड़ का मौसम होता है इसके ऊपर बहुत सारे इस तरह के फूलों के गुच्छे लगते हैं, जो कि तकरीबन जनवरी से फरवरी के महीने में ब्राउन हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं और इसके अंदर से बहुत सारे बीज भी निकलते हैं। एक पौधे के ऊपर 10,000 से ज्यादा बीज लग सकते हैं या इससे भी ज्यादा, तो एक बीज एक पौधा, इसीलिए इन चीज़ों की कदर कम हो गई, क्योंकि ये हमारे आम इलाकों में भी पाए जाते थे, जगह जगह पर रोड साइड पर भी ऐसे पौधे उग जाते हैं, क्योंकि इनके बीज इतने हल्के होते हैं, तेज़ हवा चलने की वजह से बहुत दूर दूर तक बिखर जाते हैं और वहाँ पर ये जर्मिनेट भी हो जाते हैं। तो ये एक पौधा बहुत आसानी से ग्रोथ करने वाला पौधा है, इसकी चटनी बनती है पत्तों की, जब इसके पत्तों को टच किया जाए बहुत प्यारी सी खुशबू भी निकलती है, जिस चीज़ की खुशबू इतनी प्यारी है उसका जायका कितना अच्छा होगा, और जब ये हमारे पेट में जाएगा तो कितनी बीमारियों का इलाज भी करेगा। मैं कोई हकीम नहीं हूँ, लेकिन हकीम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, आपका मालूम नहीं है, लेकिन पहले ज़मानों में तो ज़रूर करते थे।
हकीम लोगों की बात तो बहुत दूर की है, घरों में हमारी माएँ बहुत इस्तेमाल करती थी इस तरह की चीज़ें चटनी की सूरत में। तो जनाब ऐसे पौधे आप भी ले आइए, ये बहुत ही आसानी से पौधा मिल जाएगा आपको, किसी भी नर्सरी से मिल जाएगा, न्याजबो के नाम से, या फिर इसको मुश्क बीबड़ी पंजाबी में कहते हैं, या फिर इसको बेजल भी कह सकते हैं, लेकिन नर्सरी वाले इसको ज़्यादातर न्याजबो के नाम से जानते हैं पाकिस्तान में। इंडिया में इसका क्या नाम है मुझे नहीं मालूम, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि सभी को इसके बारे में पता चल जाए। और अगर इसके हेल्थ बेनिफिट्स आपको पता है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लोग जब कमेंट्स को रीड करते हैं उनको मोटिवेशन मिलता है कि हमारे पास भी ये चीज़ हो, हम भी अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए, अपने बच्चों की सेहत को अच्छा करने के लिए ये पौधा घर में उगाएं। तो इस तरह हमारा घर भी हरा भरा रहेगा, हमारे पास ऐसे पौधे होंगे जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। और हाँ, इसकी कलमें भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि ये नरम लकड़ी वाला पौधा है, इसकी कलम आप लगाएंगे तकरीबन 2 से 2.5 इंच की। बहुत सारी कलमें मैंने इसकी लगाई भी हैं। छोटी सी कलम लीजिए, जहाँ पर मेरा नाखून है अंगूठे का, वहाँ से इसको कट कीजिए, एक नोड एरिया है ये दोनों पत्ते रिमूव कर दीजिए और इसको मिट्टी के अंदर लगा दीजिए, तो ये कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर रूट्स पकड़ लेगा। ये पौधा भी मैंने ऐसे ही उगाया था, एक छोटी सी कलम लाया था, उसका बड़ा पौधा हनान के स्कूल के बाहर लगा हुआ था, तो वहाँ से छोटी सी मैंने 2 इंच की कलम काटी और उसको लाकर मिट्टी के अंदर लगा दिया, उसकी रूटिंग शुरू हुई। उसके बाद इसको मैंने बड़े 6.5 इंच के गमले के अंदर शिफ्ट कर दिया, तो अब देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। अब एक पौधे से ना जाने मैं कितने पौधे बना डालूंगा, जैसा कि मैं हमेशा से बनाता आया हूँ। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।